अच्छा ये भी आने के लिए रेडी हो रहा है, जरा खोल देती हूँ। बी वेरी केयरफुल, आराम से। रूडी इज रेडी टू कम। या वेट वेट, लेट मी होल्ड हिज हैंड। ओ बाबा रे आ गए भाई, थोड़ा सा देख तो ले हम बाहर, जरा देख लें। इसमें थोड़ा डर लगता है क्योंकि ना बहुत शैतान है। इसको बालकनी लाने में क्या होता है, ये या तो प्लांट तोड़ेगा, पेड़ पौधे तोड़ेगा। ओ बाबा रे, खुशी खुशी बाहर की। नो डोंट ब्रेक दिस प्लांट। आ रूडी, अच्छा पड़ गया, इसके पीछे भी पड़ गया। कोको यू फिनिश्ड? पड़ गया, उसके पीछे भी पड़ गया है कोको। मेक श्योर, हाँ मेक श्योर। वैसे तो बहुत वो हैं बट मैं साथ में ही हूँ यार, इसका कुछ भरोसा नहीं है। कहाँ से पाऊँ, कहाँ से हाथ निकाल ले, कुछ नहीं पता इसका, इस भाई साहब का कुछ नहीं पता। ये पता है, ये पसीना नहीं है इसको, इसने दूध क्या कर रहा है आजकल नई बात सीखा है। ये करता है दूध को, नो ये नई चीज सीखा है कि दूध को ना जब बोतल को ना फेस पे डालने लग गया है। या गुड गर्ल। अब क्या करना है, अब अंदर जाना है? बोर हो गए बाहर, टीवी देखना है ना अंदर। मैंने ना लगा दिया है क्योंकि अंदर ना ठंडा हो रहा था और बाहर गर्मी है, तो बाहर की गर्मी अंदर जाएगी। वैसे अभी ना हवा चल रही है, शायद कल तक बारिश आए, नो आइडिया। ये सिली, नो रूडी, नो का मीन समझ में आता है, नो आई विल माना। अच्छा him inside beto, you are a good girl, big good I re dekho ye itna shaitan hai na, andar aane ke liye ready nahi hai. Ha bring him inside, beta bahar bahar garmi hai na, main tv khol deti hu. You want to go outside, dekho zara ise. अब इसे क्या हुआ, कोको डोंट डू लाइक दिस अदरवाइज ही विल आल्सो डू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। और यार क्या बताऊं, इतनी गर्मी हो गई है ना, घर के अंदर सीरियसली नहीं पता चलता था, घर के अंदर जब ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि गर्मी हो रही है नहीं हो रही है। बट अब जब से मैं कोको को लेने के जाने लग गई हूँ, पसीने से नहा जाता है, पसीने जो हम अपने घर से, अगर मैं कार में बैठती हूँ ना, जब क्योंकि कार मेरी बेस ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी होती है, वो सामने दिख रही है ना, सामने वो दिख रही है, वो सिल्वर कलर की, वो पहले उसके वाइट वाली के ऊपर ब्लैक है, ब्लैक के बगल में जो सिल्वर है वो मेरी है, और वो खड़ी रहती है धूप में। मॉर्निंग में छोड़ने जाती हूँ तो इत बहुत सही रहता है, मतलब बहुत सही तो नहीं बट हाँ थोड़ी जल्दी AC ऑन करके ठंडा हो जाता है। बट जब दिन में उस खोखो को लेने के लिए जाती हूँ 12 बजे के करीब, यस ओली बाबले खोखो, तो वो लेने के लिए जाती हूँ ना, तो इतनी तपरी होती है कार, इतनी तपरी होती है, उसके बाद पॉसिबल नहीं होता यार कि बैठो, फिर बड़ी मुश्किल से कार ठंडी होती है। उसके बाद थोड़ी देर कार को फिर वहाँ पे पार्क करो, फिर खोखो को उसके क्लास तक लेने के लिए जाओ, उस बीच का जो सफ़र है, और उसके बाद जो क्लास से उसको लेके आती हूँ, वो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मतलब पसीने से हम लोग नहा लेते हैं। सबसे मुझे अपना तो नहीं इतना टेंशन हो रहा है जितना कि रूडी का होता है। रूडी को बेचारे को मुझे लगता है उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि यार अब घर पे है नहीं ना कोई, तो मैं अदरवाइज उसको रख लेती घर पे कि आराम से वो रह जाता, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी गर्मी है क्या बताऊँ मैं। तो अभी बज रहे हैं हमारे शाम के 6:30 हो गए हैं। अभी सबसे पहले क्या करूंगी, रूडी को कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद खोखो को उसका होमवर्क कराऊंगी। होमवर्क ज़्यादा नहीं मिलता, सिर्फ एक पेज का इसको होमवर्क मिलता है, या तो कल तो ई दिया था, आज 6 दिया है, तो इस तरह से उसको होमवर्क मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन के साथ, नहीं बहुत लाइट कूल, क्योंकि अभी तो बच्चों को ABCD 1 2 वही इसको इनका चल रहा होता है, तो
वो चीजें सिखाई जा रही हैं। तो अब मैं कराती हूँ उसको होमवर्क और आज का ब्लॉग कर देती हूँ यहीं पे खत्म। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।